संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा बसंतम हृदयारविंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू बेक माय न्यू ब्लॉग्स। और आज मैं हूँ कमलेश्वर महादेव की सरजमी पर। और दोस्तों ये बता दूँ, ये टेंपल राजस्थान के बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील से लगभग 18-19-20 किलोमीटर आगे है। और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और चलते हैं इस कमलेश्वर महादेव की सरजमी पर और दिखाता हूँ आपको इसका भव्य नज़ारा। दोस्तों ये बड़ा कुंड है और यहाँ पर आने पर चरम रोग मिट जाते हैं। और सबसे पहले यही कुंड आपको दिखाई देगा, फर्स्ट में यही कुंड आता है। दोस्तों यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और जो मन्नतें हैं उनकी पूरी होती है। और जो चरम रोग होते हैं, जो चमड़ी के रोग होते हैं, वह कहाँ भी नहीं मिटते हैं, तो यहाँ पर आने पर, स्नान करने पर, यहाँ पर आते ही मिट जाते हैं। और काफ़ी शानदार स्थान है। और ये कुंड पहले तो छोटा हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अब बड़ा कर दिया गया है। दोस्तों अब ये मेन कुंड आ जाता है, जो मंदिर बना हुआ है भगवान महादेव जी का, जो कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर बना है, उसके सामने ये जस्ट ये कुंड है। और इसका पानी भी साफ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है और नहा रहे हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि राजा हमीर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव यहाँ पर आए थे और इस मंदिर का जो शिवलिंग है उसकी स्थापना उन्होंने ही की थी। पांडव के द्वारा ही इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना की गई थी यहाँ पर, ऐसा बताया जाता है। थोड़ी दूर पर यहाँ पर पांडव को भी है, ऐसा कहा जाता है कि पांडव को से निकले थे जो पांडव। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी दूर पर पांडव को के नाम से कोई जगह है जो पांडव को के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अब मेन मंदिर का रास्ता शुरू हो चुका है, यहाँ से ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है। और सामने वह मंदिर दिख रहा है, वह कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर ही है। और दोस्तों आपको ले चलते हैं, व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों आपको भी दर्शन करवाएंगे भोलेनाथ के। दोस्तों हम आप पहुँचे हैं कमलेश्वर महादेव जी के यहाँ पर, और आप देख पा रहे हैं ये प्राचीन मंदिर है। सवाई माधोपुर एवं बूंदी जिले की सीमा पर स्थित कमलेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन इतिहास का गवाह रहा है। ये मंदिर मध्यकालीन युग का तीर्थ स्थल है। नगर शैली के ऊंचे शिखर वाले इस मंदिर का निर्माण हमीर के पिता जयत्र सिंह ने विक्रम संवत 1345 में चाकन नदी के तट पर करवाया था। यह मंदिर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है। इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ अभी दो मंदिर शेष है, जिसमे एक तो पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है, जिसे खंड देवरा के नाम से जाना जाता है। दूसरा मुख्य शिव मंदिर देखने योग्य है। यहाँ पर को तराश कर विभिन्न मुद्राओं में योग आसन एवं संगीत कला को विभिन्न मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। आसपास विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। दोस्तों कमलेश्वर महादेव के मंदिर के यहां पर तीन कुंड बने हुए हैं। इनमें से दो कुंड में नहाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है तथा एक अन्य कुंड चाकन नदी के रास्ते में बना है। लोगों की मान्यता है कि इन तीनों कुंडों में स्नान करने से लोगों के चरम रोग ठीक हो जाते हैं। नमः शिवाय।